चांद पर पहुंचने के बाद भारत अब सूरज पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूरज पर भेजे जाने वाले आदित्य L1 एयरक्राफ्ट और इस मिशन की डायरेक्टर एक मुसलमान हैं। इसरो की वैज्ञानिक निगार शाजी ने ही आदित्य L1 को डिजाइन और फाइनलाइज कर उसे लॉन्चिंग के लिए तैयार किया था। निगार शाजी ने भारत के लिए जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। उनके सफल प्रयोग के बाद भारत आज उन देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने सूरज पर अपने मिशन को लॉन्च करने में सफलता हासिल की है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक मुसलमान के घर में पैदा होने वाली निगार शाजी आदित्य L1 मिशन की डायरेक्टर बनकर भारत को सूरज पर पहुंचाने का कारनामा अंजाम देंगी। निगार शाजी का जन्म साल 1966 को तमिलनाडु के सेन गुट्टाई गांव में हुआ था और ये एक किसान बाप शेख मीरान की बेटी थी। निगार शाजी 80 के दशक में तेनकासी जिले में हाई स्कूल में टॉप करने वाली एकमात्र मुस्लिम छात्रा थी। तिरुनेलवेली की कामराज यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने के बाद शाजी ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची से एमटेक की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद उनका चयन भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान इसरो में हो गया और यहीं से उस कहानी की शुरुआत हुई जिसने आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण करके ही दम लिया। इसरो में शामिल होने के बाद निगार शाजी ने कई बड़ी परियोजनाओं और मिशन पर काम किया। वो भारतीय रिमोट सेंसिंग कम्युनिकेशन एंड इंटरप्लेनेटरी सैटेलाइट प्रोग्राम का हिस्सा रही। यही वजह है कि इसरो ने उनके 35 साल के तजुर्बे और योगदान को देखते हुए 2014 में उन्हें आदित्य L1 मिशन का प्रमुख नियुक्त किया। निगार शाजी की माने तो वो पिछले 8 सालों से आदित्य L1 मिशन का नेतृत्व कर रही थी। अंतरिक्ष यान को प्रभामंडल कक्षा में स्थापित करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है जिसे भारत के वैज्ञानिकों और हम सब ने मिलकर साकार कर दिखाया है। निगार शाजी 1987 में इसरो के सैटेलाइट सेंटर से जुड़ी थी। वो रिसोर्स सेट 2A की एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रही जो भारत की सुरक्षा और उसकी निगरानी करने वाला सबसे बेहतरीन सैटेलाइट है। निगार इसरो के सैटेलाइट टेलीमेट्री सेंटर की चीफ भी रह चुकी हैं। निगार शाजी के पति मीरान सैफ अली खान भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उनके दुबई और दूसरे गल्फ देशों में कई स्कूल चल रहे हैं। निगार शाजी का बेटा खुद नीदरलैंड में एक वैज्ञानिक है। जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने भारत के लिए किया क्या है, उनके लिए निगार शाजी जैसी महिलाएं एक मिसाल हैं। गौरतलब हो कि चंद्रयान 3 की डिजाइन और लॉन्चिंग में मुख्य भूमिका निभाने वाला शख्स अरीब अहमद भी एक मुसलमान था। निगार शाजी ने ना सिर्फ भारत का नाम रोशन किया है बल्कि अपने हुनर से पूरे मुल्क के मुसलमानों का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक और ट्विटर पर हर जगह लोग निगार शाजी को बधाई दे रहे हैं। वैसे आप भी निगार को बधाई देने के अलावा एक काम और कर सकते हैं और वो है इस वीडियो को 1,00,000 लाइक तक पहुंचाना। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।